फैंस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई देखिए, जब भी किसी शो में लीप आता है तो हम बहुत सारी न्यू एंट्री देखते हैं और काफ़ी तो हम एग्जिट भी देखते हैं। उन्हीं एग्जिट के बीच में हम काफ़ी शो छोड़ देते हैं कि हमारा वो फेवरेट कलाकार था, आपने उसे बाहर कर दिया। ऐसे में जो है, अगर आपके अपने शो को हिट रखना है, टॉप पे रखना है, तो हमेशा उसमें आपको न्यू अपडेट करनी पड़ेगी। ऐसे में मैं बात करूंगी अनुपमा शो की, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है। अनुपमा से ज़्यादा अनुज ट्विटर पे सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो गए, क्योंकि अनुज का लुक, अनुज की दशा, अनुज का जो बिहेव है वो सबको शॉकिंग कर रहा है कि ऐसे में अनुज जो है इस तरह उसी शहर में भटक रहा है और किसी को कुछ पता भी नहीं है। ऐसे में कल से सबसे ज़्यादा ट्विटर पे अनुज ट्रेंड हो रहे हैं, क्योंकि अनुज की ऐसी हालत देखकर फैंस काफ़ी शॉकिंग हैं। उसी को जो है कहते हैं कि अगर आप इतने मजबूर हो जाएं शो के बारे में जानने के लिए, तो यकीनन कहानी लिखने वाला काफ़ी दमदार है। ऐसे में अनुपमा लगातार नंबर वन की पोजीशन बनाए रखता है। जहां उसे लगता है कि स्टोरी में गिरावट आ रही है, तुरंत वो एक बड़ा ट्विस्ट दे देता है। फिर चाहे वो बेटे का दे, बहू का दे, पोते का दे, ससुर का दे या सास ससुर का दे, किसी का भी दे सकता है। लेकिन यहाँ पे तो मेन लीड अनुज के साथ बिग ट्विस्ट दिया है, जो कि पूरी हालत चेंज कर दी है। अब उसी हालत को चेंज होते हुए फैंस जो देख रहे हैं उसी को भी भूल नहीं पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उसी के बीच में शो में काफ़ी एंट्री होने वाली है। उसी के बीच में एक खबर आई है कि शो में एक हसीना की एंट्री होने वाली है, वो है प्यारी आपकी सोनल खिलवानी। ऐसे में सोनल खिलवानी को आप दंगल के जो है बिंदिया सरकार जैसे शो में देख चुके हैं या शिरवणी जैसे शो में नज़र आ चुकी हैं। ऐसे में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जहां पे उन्होंने बताया कि जो है अनुपमा के सेट पर, यानी कि अनुपमा के जहां ऑडिशन होते हैं, वो वहां जो है एक न्यू एंट्री के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल होने वाला है, उसके लिए ऑडिशन दिया है। ऐसे में अभी वहाँ से कोई कॉल वगैरह नहीं आई है, अनुपमा के डायरेक्टर, स्टाफ या प्रोड्यूसर की तरफ से अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है कि वो उन्हें लेंगे या नहीं। लेकिन इतना कहा है कि आपका ऑडिशन अच्छा था। उससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने ऑडिशन लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि शो में एक ज़बरदस्त एंट्री कराने वाले हैं। हो सकता है किसी और की भी इंटरव्यू लिए हो, ऑडिशन लिए हो। ऐसे में जो है बात जिससे हुई है वो है आपकी प्यारी सोनल खिलवानी, जो दंगल का चेहरा रह चुकी है। ऐसे में जो है दंगल के काफ़ी चेहरों को स्टार प्लस पे लॉन्च भी किया जा रहा है। उसी के बीच में अब जो है वो एंट्री कहा जा रहा है अनुज और अनुपमा को मिलाने में पूरी जो है कायनात एक कर देगी। अब देखना है कि यही एक्टर्स जो हैं एंट्री करेंगी या फिर किसी और का ऑडिशन जो है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टाफ को पसंद आ गया है, तो शायद कोई और भी आ सकता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।